हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आपको लास्ट वीडियो में बताया गया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, विद्युत विभव, ठीक, जिसको हमने डिफाइन किया था कि किसी आवेश को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया था पोटेंशियल विद्युत विभव कि किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा आवेश के मान का जो अनुपात होता है उसे हम विद्युत विभव कहते हैं। ठीक, इसे V से व्यक्त करते हैं तो V इक्वल टू क्या हो गया, W अपान क्यू। ये बताया था आवेश को कहां से लेकर आ रहे हैं, आवेश को हम अनंत से लेकर आए यहां, इस बिंदु का विद्युत विभव डब्ल्यू अपान क्यू होगा। अच्छा, अगर हम ऐसा करें कि अनंत से क्यू आवेश को लेकर आए यहां पर लाएं, फिर अनंत से क्यू आवेश को यहां पर लाएं, तो इस बिंदु का विभव कुछ और होगा, इस बिंदु का विभव कुछ और होगा। तो यहां के विभव को अगर हम वी वन मान लें, यहां के विभव को वी टू मान लें और वी वन और वी टू का अंतर कर दें, ठीक, V1 और V2 का अगर हम अंतर कर दें और देखो यहां से यहां तक आवेश को लाने में क्या क्या कार्य W2 हो और यहां से यहां तक लाने में कार्य कितना हो W1 हो, तो V1 का मान W1 अपान Q होगा, V2 का मान W2 अपान Q होगा। V1 माइनस V2 करें, Q कॉमन हो गया, W1 माइनस W2 अपान Q। अच्छा, V1 माइनस V2 यहां और यहां के विभवों का अंतर है तो इसको बोला जाएगा विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। और W1 माइनस W2 देखो, जैसे यहां से यहां तक कार्य 20 जूल है, यहां से यहां तक 15 जूल, तो W1 माइनस W2 5 जूल होगा यहां से यहां तक का कार्य, ठीक। तो ये W मान ले, अपान में क्या हो गया, अर्थात किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य, ठीक, तथा आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु पर उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। मतलब हम क्या करें कि किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य और आवेश के मान का जो अनुपात है वो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि विभवांतर क्या होता है, वैद्युत विभवांतर या केवल लिख सकते हैं विभवांतर, ठीक। और देखो, विभवांतर अधिकतर आपका होगा सर्किट में, परिपथों में, परिपथ में, जैसे जिसमें आवेश बनता है। जैसे मान लीजिए आप एक परिपथ में बैटरी लगाए हुए हो, बैटरी से एक बल्ब जोड़ा हुआ है तो ये एक परिपथ बन गया, ठीक। परिपथ वो होता है जिसमें आवेश प्रवाहित होता है, आवेश प्रवाह के लिए जो बंद पथ बनाए जाते हैं उन्हें परिपथ कहते हैं, खुले परिपथों में कभी आवेश नहीं बनता है, ठीक। ध्यान दीजिए, विभवांतर नाम ही से स्पष्ट है, विभवों का अंतर, पोटेंशियल डिफरेंस, यहां से देखो पोटेंशियल विभव डिफरेंस अंतर, विभव का अंतर, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक, कि किसी परिपथ में, कोई हमारा सर्किट है, ठीक, किसी परिपथ में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में या प्रवाहित करने में किया गया कार्य तथा आवेश के मान के अनुपात को, ठीक, आवेश के मान के अनुपात को उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। मतलब कोई सर्किट है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये बल्ब है, ठीक, बल्ब को जलाने के लिए हमने यहां पर एक बैटरी जोड़ी, इस प्रकार से बैटरी का प्रतीक होता है, एक कुंजी जोड़ दी, परिपथ चालू, तो इसी से होकर तो आवेश फ्लो करेगा या करंट फ्लो करेगा, बल्ब जलेगा। तो अगर हम ले लें ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, और किसी आवेश को हम यहां से यहां तक लेकर जाए, मान लो यहां से यहां तक ले जाने में हमें कार्य कितना करना पड़ा, डब्ल्यू, ठीक, और मान लो क्यू आवेश ले लें तो डब्ल्यू अपान जो क्यू होगा वो ए और बी के बीच का क्या होगा, विभवांतर होगा। तो क्या लिखेंगे ये, कि किसी परिपथ में, विद्युत परिपथ में जिसमें करंट फ्लो करे, ठीक,
किसी परिपथ में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित करने में किया गया कार्य तथा आवेश के मान का अनुपात ठीक है, उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है, या प्रवाहित करने में किए गए कार्य तथा आवेश के मान के अनुपात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये गए कार्य तथा आवेश के मान के अनुपात को उन दो बिंदुओं के बीच का क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। इसका प्रतीक बी है, जैसे विभव का प्रतीक इसका भी प्रतीक बी है, इसका प्रतीक क्या है, बी है। ठीक, बी बराबर हो जाएगा डब्ल्यू अपान क्यू। ठीक, मात्रक देखो, डब्ल्यू का मात्रक होता है जूल और क्यू का मात्रक होता है गुलाम, तो इसका मात्रक हो गया जूल प्रति गुलाम, वही मात्रक है जैसे पहले था, या जूल प्रति गुलाम को बोला जाएगा बोल्ट। ठीक, जूल प्रति गुलाम, या आप क्या बोल सकते हैं इसको, बोल्ट। किसी परिपथ में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित करने में किए गए कार्य का आवेश के मान के अनुपात को उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। इसका प्रतीक बी है, बी बराबर डब्ल्यू पान क्यू, मात्रक जूल प्रति गुलाम या फिर बोल्ट हो जाएगा। देखो, आवेश का प्रवाह तभी होता है जब दो बिंदुओं के बीच विभवांतर हो, मतलब जब तक दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नहीं होगा तब तक उनके बीच आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता है। ठीक, जैसे कहा जाए कि 10 वोल्ट विभव यहां पर है, 10 वोल्ट यहां पर है, दोनों जगह के विभव बराबर है। अब कहा जाए क्या यहां से यहां तक आवेश जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि यहां और यहां के विभवों का अंतर अर्थात विभवांतर 10-10 जीरो होगा, विभवांतर जीरो होगा तो आवेश का प्रभाव नहीं होगा। यहां पर याद रखेंगे, नोट करके लिख लो, आवेश का प्रवाह तभी होगा जब दो बिंदुओं के बीच विभवांतर हो, जब दो बिंदुओं के बीच, मतलब आवेश तभी फ्लो करेगा दो बिंदुओं के बीच जब उनके बीच विभवांतर हो। ठीक, आवेश का प्रवाह दो बिंदुओं के बीच तभी होगा, ऐसे आवेश का प्रवाह दो बिंदुओं के बीच तभी होगा जब उनके बीच विभवांतर हो। याद रखना, आवेश का प्रवाह तभी हो सकता है जब उनके दोनों बिंदुओं के बीच में क्या हो, विभवांतर हो। अच्छा, आवेश हमेशा धनावेश बना रहे, धनावेश हमेशा उच्च विभव वाले बिंदु से निम्न विभव वाले बिंदु की ओर जाएगा, मतलब धनावेश किधर बहेगा, जैसे दो बिंदु है हमारे पास, बिंदु ए बिंदु बी, बिंदु ए का विभव 20 वोल्ट है, बिंदु बी का 10 वोल्ट है, तो धनावेश 20 से किधर जाएगा, 10 की ओर जाएगा। तो लिखेंगे धनावेश का प्रवाह
उच्च विभव वाले बिंदु से, उच्च विभव वाले बिंदु से निम्न विभव वाले बिंदु की ओर होता है, मतलब कम विभव वाले बिंदु की ओर, निम्न विभव वाले बिंदु की ओर होता है। इसका उल्टा हो जाएगा, ऋण आवेश का प्रवाह निम्न विभव वाले बिंदु से उच्च विभव वाले बिंदु की ओर होगा, ऋण आवेश हमेशा कम विभव वाले बिंदु से ज्यादा विभव वाले बिंदु की ओर जाता है, और जो धनावेश होता है वो हमेशा ज्यादा विभव वाले बिंदु से कम विभव वाले बिंदु की ओर जाता है। ठीक, ये तो आपका विभव विभवांतर हो गया। याद रखना, दो बिंदुओं के बीच आवेश तभी फ्लो करेगा जब उनके बीच विभवांतर, जब तक उनके बीच कोई विभवांतर नहीं होगा तब तक उनके बीच में कोई भी आवेश अपने आप फ्लो नहीं कर सकता। ठीक, इसके बाद एक नई क्वांटिटी पढ़ने वाले हैं आप, वैद्युत धारा, विद्युत धारा, जैसे विभव में कोई दिक्कत नहीं, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करेंट, ध्यान दीजिए वैद्युत धारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, करंट हम जानते हैं धातुओं में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, जैसे हमारे पास ये कोई तार है तो इस तार में कैसे इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से ये जब तक इस पर कोई हमने कुछ नहीं लगा तब तक ऐसे ही इधर उधर चल रहे हैं, किधर भी घूम रहे हैं। ठीक, लेकिन अगर इस धात्विक तार पर हम कोई सेल लगा दें या बैटरी लगा दें, ऐसे बैटरी लगा दें, तो देखो ये सिरा धनावेशित हो जाएगा और ये सिरा क्या हो जाएगा, ऋणावेशित। अच्छा, इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋणावेशित है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस का आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है तो ऋणात्मक जो सिरा होगा वो इलेक्ट्रॉनों को धक्का देगा, इन इलेक्ट्रॉनों को उधर की ओर भेजेगा, अर्थात ऋणावेशित सिरे के कारण ये इलेक्ट्रॉन इधर चलने लगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर चलने लगे तो इसके अपोजिट जो है धारा बहने लगती है। मतलब जब किसी चालक से नेट आवेश प्रवाह होता है, आवेश का प्रवाह होता है, तो चालक में धारा बहती है। ठीक, चालक में धारा कब बहेगी, कि जब किसी चालक या चालक तार से आवेश का नेट प्रवाह, देखो जल का प्रवाह कब होता है, बताइए, जल का प्रवाह तब होता है जब एक सिरा ऊंचा हो एक सिरा नीचे हो। ऊष्मा का प्रवाह कब होता है, जब एक सिरा उच्च ताप पर हो एक सिरा निम्न ताप पर हो। इसी प्रकार वैद्युत आवेश, धनावेश का प्रवाह जो है कब होता है, जब एक सिरा उच्च विभव पर हो एक सिरा निम्न विभव पर हो, या ऋणावेश का प्रवाह तभी होगा जब एक सिरा निम्न पर हो एक सिरा उच्च पर हो। ठीक, और जब किसी चालक से आवेश बहता है तो कहते हैं धारा बहती है, और किसी चालक से एक सेकंड में जितना आवेश बहता है उसे धारा कहते हैं। ठीक, या किसी चालक से आवेश प्रवाह की नेट दर को धारा कहते हैं, ध्यान देना, किसी चालक, चालक जिनमें आवेश सुगमता से प्रवाहित हो जाए, किसी चालक से आवेश प्रवाह की नेट दर, किसी चालक से आवेश प्रवाह की नेट दर को धारा कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं, या केवल धारा कह सकते हैं, धारा कहते हैं, कहते हैं। ठीक, अथवा किसी चालक से प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा को वैद्युत धारा कहते हैं, मतलब एक सेकंड में जितना आवेश बहा, जैसे कहा जाए एक सेकंड में दो कूलाम आवेश बहा तो धारा दो एम्पियर की हो जाएगी, धारा का मात्रक एम्पियर होगा। अथवा किसी चालक से दर का मतलब टाइम से भाग देना है आवेश, किसी चालक से प्रति सेकंड
प्रवाह आवेश की मात्रा को वैद्युत धारा कहते हैं। किसी जालक से प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा को वैद्युत धारा कहते हैं। इसका प्रतीक आई है, दोनों डेफिनेशन है। इसका प्रतीक क्या है? आई, और आई बराबर क्यू अपान टी सूत्र होता है। टी का मतलब समय, क्यू का मतलब आवेश। ठीक, मतलब टी का मान अगर एक सेकंड प्रति सेकंड कर दे तो आवेश की मात्रा धारा, प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा को धारा कहते हैं। मात्रा क्या आएगा? देखो वैसे सूत्र से मात्र बना कूलाम प्रति सेकेंड, या इसका मात्रक हो गया एम्पियर। सभी लोग याद रखेंगे धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। ए से लिखेंगे धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। जैसे कहा जाए एक चालक से दो सेकेंड में चार गुलाम आवेश प्रवाहित होता है, धारा बटा तो आई बराबर क्यू पॉइंट टी चार बटे दो। यहां ये सूत्र कैसे बना? यदि टी समय में प्रवाहित आवेश क्यू तो धारा आई बराबर क्यू पॉइंट टी। ये फायदा है मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड या फिर क्या होता है? एम्पियर। और याद रखना धारा अदिश, अदिश दिशा नहीं है इसमें, लेकिन दिशा है अभी आगे बताएं। लेकिन उसका रीजन है कि धारा जो है सदिश वाले नियमों का पालन नहीं करते हैं, इसीलिए वो अदिश है। लेकिन धारा की दिशा होती है, देखो इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहे हैं तो धारा हमेशा उल्टी बहेगी। इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे धारा इधर जाएगी। जैसे ये वायर है, इलेक्ट्रॉन से इधर जा रहे हैं तो धारा इधर जाएगी। मतलब धारा की जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा में होती है, या धनावेश प्रवाह की दिशा में होती है। जैसे धनावेश इधर जा रहा है तो धारा भी इधर ही जाएगी, धनावेश इधर जा रहा है तो धारा इधर जाएगी, लेकिन ऋणावेश अगर इधर जा रहा है तो धारा इधर जाएगी। ऋणावेश प्रवाह की अपोजिट डायरेक्शन में धारा बहती है, या धनावेश प्रवाह की डायरेक्शन में धारा बहती है। ठीक है, तो सभी लोगों को याद रखना है धारा वैसे धारादिश अधिस, इसलिए क्योंकि वो सदिश के नियमों का पालन नहीं करते। ठीक, तो हम यहां पर लिखे देते हैं धारा की दिशा वैद्युत धारा की दिशा लिखेंगे। धारा की दिशा ऋणावेश प्रवाह की विपरीत दिशा। ऋणावेश कौन होता है? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा। ऋणावेश प्रवाह की विपरीत दिशा अथवा धनावेश प्रवाह की दिशा में मानी जाती है। ऋणावेश प्रवाह की विपरीत दिशा या धनावेश प्रवाह की दिशा में धारा की दिशा लेते हैं। लेकिन धारा क्या है? अदिश। राशि धारा अदिश है। अदिश क्यों है? क्योंकि ये सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती। ठीक, तो आज आप जान गए करंट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दिशा क्या है धारा की। ठीक है, आज के लेक्चर में इतने रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम विभिन्न युक्तियां बताएंगे, कौन युक्ति क्या करती है ये सब बताएंगे, उनके प्रतीक कैसे होते हैं ये बताएंगे। ऑल द बेस्ट।